मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तय दिन से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो कि टेंस के ऊपर आधारित है। आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस में देखा कि जो हमारे 8 टेंसेस हैं, जो टेंस के पिता की 2 संतानें प्रेजेंट और पास्ट, उनके 4-4 भागों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज से हम इस कक्षा में शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा फ्यूचर टेंस है, या टेंस का जो तीसरा पुत्र है, फ्यूचर इनडेफिनेट। फ्यूचर इनडेफिनेट, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि फ्यूचर इनडेफिनेट, कि भाई फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हो गए, दैट मे बी इनडेफिनेट, दैट मे बी कंटीन्यूअस, दैट मे बी परफेक्ट, और दैट मे बी परफेक्टिव कंटीन्यूअस। इन चारों में 4 भाग आपके मिलेंगे जैसे बाकी मिलते थे। अब इन 4 भागों में सबसे पहला जो आता है, जिसको फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस बोला जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के लिए आपको जानना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होगा, जिसमें गा, गे, गी इत्यादि आए, जिसमें गा, गे, गी इत्यादि आए। पिछले टेंसों में जो आप सिंगुलर और प्लूरल आई वी यू दे इत्यादि, या ही शी इट नाउन इत्यादि कर रहे थे, उनको पीछे छोड़ते हुए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आपको इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी वाक्य में आई और वी दिया जाता है तो आप उन वाक्यों में शैल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी वाक्य में आई और वी के अलावा कुछ दिया जाता है तो उन वाक्यों में आप विल का प्रयोग कर सकते हो। मतलब आई और वी के अलावा, आई और वी के अलावा, इसको हम एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स के द्वारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स में हमने पढ़ा था कि भाई जब हम रूल्स की बात करते हैं तो वाक्य 2 चीजों से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आई और वी अगर दिया होगा तो शैल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर आई और वी नहीं दिया है तो आप शैल नहीं बल्कि विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब होगी जी, अब रहेगी हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमें क्या रूल कहती है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ध्यान दीजिए, कोई आईएनजी नहीं, कोई एसईएस कुछ नहीं, केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। एक बार फिर से इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को, फिर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि भाई जो जिस वाक्य में गा, गे, गी इत्यादि आएंगे, जैसे वह स्कूल जाएगा, वे स्कूल जाएंगे, वह स्कूल जाएगी, मतलब गा, गे, गी इत्यादि आएंगे, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आई और वी के अलावा विल का प्रयोग होता है। ये तो रही आपकी हेल्पिंग वर्ब या इनडेफिनेट वर्ब की बात। इसको समझते हुए हम अगर आगे चले तो हम ये समझते हैं कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, न एस या न ई एस कुछ नहीं, आईएनजी भी नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इस चीज को हम एग्जांपल्स के द्वारा डिस्कस करते हैं।
तो इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला लिखा हुआ है कि भाई वह स्कूल जाएगा, आपको पता चला कि वह स्कूल जाएगा। पहली बात तो ये कि गा पुरुष है या स्त्री है, तो सीधी सी बात है पुरुष है। अगर स्त्री होता तो इसमें क्या मिलता, गी। अगर ये पुरुष है लेकिन पुरुष का हमें नाम नहीं दिया है, प्रनाउन है, स्वरनाम है, तो उस स्थिति में जब हमें पुरुष दिया हो और नाम नहीं दिया हो, स्वरनाम दिया हो, हम किसका प्रयोग करते हैं, ही। किसका करते हैं, ही। ही अभी अभी बताया आपको, आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, शैल, और बाकी के साथ विल। तो यहाँ पे ही है, न तो आई है और न ही वी है, जिसके कारण हेल्पिंग वर्ब क्या आई, ही विल, ही विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ही विल गो, कहाँ जाएगा, टू, कहाँ पर, स्कूल। तो क्या बन गया आपका, ही विल गो टू स्कूल। अगर ये आपका नेगेटिव आ जाता पर्सन नकारात्मक वाक्य में, तो आप इसका क्या बना सकते थे, ही विल नॉट, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा अगर इसको इंटरोगेटिव बना दिया जाए, पर्सन वाचक बना दिया जाए, तो जब से हम टेंस का टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं, हमने एक चीज को समझा है कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या जो पर्सन वाचक वाक्य होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब को, जो आई और वी या जो भी हम पीछे अध्ययन किया है हेल्पिंग वर्ब्स का, वो हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। अगर ये आपका होता क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, तब आप क्या करते, विल। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा यहाँ पे, विल। तो यहाँ पे क्या रहता, विल। प्रनाउन आ गया आपका ही, नहीं के लिए आ गया नॉट, डेफिनेट वर्ब आ गई आपकी गो, प्रीपोजिशन आ गई टू, और स्थान आ गया स्कूल। तो ये क्या बन जाता आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, विल ही नॉट गो टू स्कूल, विल ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल, जो हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव बोथ में दिया हुआ है। जैसे क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वह के स्थान पे यहां पे हमें वे दे दिया। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे कि वे स्कूल जाएंगे, तो वे मतलब दे, वे के लिए दे, दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहां पे, टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। ये तो सिंपल बढ़ गया आपका, वे स्कूल जाएंगे, लेकिन यहां क्या है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दे विल, यहां पे लग जाएगा आपका नॉट, दे विल नॉट गो टू स्कूल। अगर ये आपका आ जाए क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे, तब क्या करोगे, विल दे नॉट गो टू